गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय गुप्ता। और जैसा कि आपको पता है, कल हमने आपकी फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट ख़त्म करा दिया था। इसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं या फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। आज आपका दूसरा पार्ट शुरू हुआ है, जिसका नाम है जलवायु विज्ञान, है ना। तो जलवायु विज्ञान का देखिए, आपके ये काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्व है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं है, है ना। तो देखिए, आज से हम जलवायु विज्ञान को शुरू कर रहे हैं, और उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ नहीं है, है ना। तो हम इस पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे, देखिए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का अर्थ क्या है, और वायुमंडल का महत्व क्या है। तो देखिए, वायुमंडल हमारे चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण विद्यमान है गैसों का, है ना। उस गैसों के आवरण को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, है ना। इस चारों तरफ जो गैसों का आवरण है, ये चारों तरफ जो गैसों का आवरण फैला हुआ है, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं वायुमंडल। देखिए, हम पहले की चीजों को समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम समझेंगे, है ना। तो देखिए देखिए, वायुमंडल जो है, जो हमारी पृथ्वी है, है ना, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल पाया जाता है, है। यही वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें कई प्रकार की गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अक्रिय गैसें भी हैं इसमें, है ना। उन सबको मिलाकर के क्या कहलाता है हमारा, ये बनता है हमारा वायुमंडल, है ना। इसमें विभिन्न प्रकार की वायुमंडल, वायु है ना, इसे कहते हैं हम वायुमंडल। देखिए, ये वायुमंडल इस पृथ्वी पर उत्पन्न क्यों हुआ, और कैसे हुआ, और ये पृथ्वी के चारों तरफ क्यों पाया जाता है, इसका एक कारण है। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी ये गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये गैसें इसके साथ बंधी हुई हैं, और इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण ये वायुमंडल जो है इस पृथ्वी के चारों तरफ विद्यमान है, है ना। तो देखिए, अनुमान लगाया जाता है कि लगभग धरातल से 16 किलोमीटर से स्टार्ट होकर के 29,000 किलोमीटर तक, है ना, 29,000 किलोमीटर तक, है ना, वायुमंडल पाया जाता है, ऐसा वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं। देखिए, ये वायुमंडल का काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्व है, है ना। तो वायुमंडल समझा आपने, वायुमंडल क्या होता है, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है, जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है, भाई इस पृथ्वी की सतह पर हम रहते हैं, और इस पृथ्वी के चारों तरफ ये वायुमंडल है जो हमें घेरे हुए है, है ना। तो इसी गैसों के आवरण को, जो हमारे चारों तरफ है, हम पर दबाव डाले हुए हैं, इसी को कहते हैं वायुमंडल, जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है ना। तो ये पृथ्वी पर क्यों टिका हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये वायुमंडल इस पर टिका हुआ है। देखिए, इसी वायुमंडल की वजह से इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव हो पाई, क्योंकि अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी संभव नहीं थी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 16 से 29 हजार किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया गया। तो देखिए, ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, इसका महत्व क्या है वायुमंडल का। देखिए, इसी वायुमंडल में हम रहते हैं, है ना, प्रत्येक जीवधारी जो है इसी वायुमंडल में अपना निर्वाह करते हैं, है ना। और जीवन के सभी चक्र जो है वो हमारे, चाहे वो जीवों के हों, चाहे वो पेड़ पौधों के हों, है ना, चाहे वो जंतुओं के हों, जितने भी जीव हैं, है ना, उन सबका जीवन इसी वायुमंडल में चल रहा है, और इसी वायुमंडल से वो अंत्यक्रियाएं करते हैं। इसी वायुमंडल के देखिए कई सारे तत्व है ना, वायुमंडल में कई सारे तत्व पाए जाते हैं, है ना। इसमें कुछ भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं भी पाई जाती हैं, है, कौन कौन सी होती है देखिए। और इसमें क्या है, मौसम और जलवायु के तत्व भी इसी वायुमंडल में पाए जाते हैं। जलवायु तत्व कौन कौन से है, तापमान है, आर्द्रता है ना, जलवाष्प है, है ना। और जलवाष्प तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी बादल है, कोहरा है, कुहासा है, ओले है, है ना, जलवृष्टि है, वो सभी जलवाष्प की वजह से ही हो पाती है। देखिए, पृथ्वी के चारों तरफ जो जलवाष्प फैली हुई है, और इसका वायुमंडल में काफी महत्व है ना। अगर इस सारी पृथ्वी की जो वायु है, जो जलवाष्प है, अगर इसको जल में परिवर्तित कर दिया जाए, तो इस पूरी पृथ्वी के चारों तरफ 2.5 सेंटीमीटर मोटी जल की एक परत जम जाएगी। इतनी वायुमंडल में, इस पृथ्वी के चारों तरफ इतनी गैसेस में जो है जलवाष्प पाई जाती है ना। तो इसका देखिए काफी सारा महत्व है, क्योंकि इसी में हम रहते हैं, और इसका पारिस्थितिकीय महत्व भी है,
क्योंकि जीव जंतुओं के लिए आवश्यक जितनी भी दशाएं हैं उसी वायुमंडल में ही पाई जाती है ना। इसी वायुमंडल में, इसी वायुमंडल के जो तत्व है, जलवायु है, उससे हम प्रभावित होते हैं और हमारी क्रियाएं इससे चलती रहती है ना। जैसे जंतु के साथ पौधे भी, मानव भी है ना। देखिए जीव मंडल के दो संगठक होते हैं, एक होता है जैविक संगठक है ना, और दूसरा होता है अजैविक संगठक है ना। इनकी आपस में क्रियाएं चलती हैं, वो इसी वायुमंडल में चलती हैं। जैविक संगठक के अंतर्गत आता है आपका जीव जंतु पेड़ पौधे, अजैविक संगठक के अंतर्गत आते हैं आपके जो तत्व है धातु पर पाए जाते हैं ना। तो इन पर क्या होता है, आपस में अंतर क्रिया चलती रहती है ना। अब देखिए क्या हो गया है कि हमने क्या किया है, इस वायुमंडल को विशुद्ध कर दिया है ना। क्योंकि इस वायुमंडल का निर्माण हुआ है विभिन्न गैसों से हुआ है, और विभिन्न गैसों की वजह से इस वायुमंडल का निर्माण हुआ है। हमने क्या किया है, इंसान ने, मानव ने, अब इन जो वायुमंडल की जो अवस्था है उसको विशुद्ध कर दिया है ना। एक्चुअली क्या है कि इस वायुमंडल में जो गैसों का प्रतिशत होता है वो अपने अनुसार एक निश्चित मात्रा में पाया जाता है, परंतु मानव ने क्या किया है, इस गैसीय जो प्रतिशत है, जो मात्रा है, उनमें विशुद्ध अवस्था ला दी है, जिसकी वजह से धातल पर जो है वायुमंडल में परिवर्तन हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का हमको सामना करना पड़ रहा है ना। तो जिससे क्या हुआ है, पर्यावरण असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता रखने के लिए हमें वायुमंडल में स्थिरता रखना बहुत ही आवश्यक है, परंतु मनुष्य ने वर्तमान समय में जो अपने उपक्रम किए हैं, जो उद्योग है ना, जिसकी वजह से क्या है, जो वायुमंडल में गैसों का संगठन है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, उसकी वजह से ये पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहा है, और साथ ही साथ इससे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो भी प्रभावित हो रहा है ना। इसके बाद देखते हैं हम अर्थ और महत्व, तो आपको समझ में आ गया इसका है। देखिए इसके बाद हम देखते हैं वायुमंडल की उत्पत्ति एवं विकास, दूसरा पॉइंट है हमारा, ये समझ में आ गया आपको। वायुमंडल की उत्पत्ति उत्पत्ति एवं विकास, देखिए देखिए वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें कई सारी प्रक्रियाएं हैं। एक इसमें प्रक्रिया आती है, आपको पता होगा पहले तो कि जो हमारी पृथ्वी की आयु है वो कितनी है, 4.5 से 5 अरब साल है ना, 5 अरब साल है ना, यानी 450 से 500 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तब शुरुआत में इस पर कोई भी वातावरण नहीं था है ना, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही इस वायुमंडल की उत्पत्ति की प्रक्रिया जुड़ी हुई है, क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी उत्पत्ति हुई, उत्पन्न हुई थी, उसके बाद इसके ऊपर वायुमंडल उत्पन्न हुआ था। तो 450 से 500 वर्ष पहले जब इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तब शुरुआत में इस पृथ्वी के चारों तरफ कोई भी वातावरण नहीं था है ना, वो धीरे धीरे इस पर जो है वायुमंडल का विकास हुआ। तो देखिए कैसे कैसे हुआ, तो इसके लिए कुछ संकल्पनाएं हैं है ना। जैसे एक संकल्पना क्या है ना, एक है ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना है ना, ये चैम्बरलेन और मोल्टन की है, चैम्बरलेन एवं मोल्टन है ना, इन्होंने इसको दिया है। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि शुरुआत में पृथ्वी का निर्माण था वो प्रारंभिक चरण में वायुमंडल का इस पर कोई भी अस्तित्व नहीं था, क्योंकि इसकी जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो उन्होंने पृथ्वी में अंतरिक्ष में फैले हुए कुछ पदार्थों से की है, कि पहले जो पृथ्वी थी वो गैसीय अवस्था में थी, और गैसीय अवस्था में क्या हुआ था, ये धीरे धीरे बन रही थी है ना। समय के साथ जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता गया तो इसमें क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल आता गया है ना, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल आता गया, इसकी वजह से क्या हो गया कि इसमें जो है आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति आ गई, यानी कि जहां जहां से पृथ्वी गुजर रही थी वहां वहां से क्या है, ये वातावरण से गैसों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी है ना। तो इसमें एक तो क्या था, गैसों का आकर्षीकरण हो रहा था, और दूसरी प्रक्रिया हो रही थी डी गैसिंग की,
डी गैसिंग की प्रक्रिया भी हो रही थी। देखिए ये क्या होता है ना, पहली बात तो ये है कि इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता रहता था, क्योंकि इसकी उत्पत्ति एक किससे हुई थी, ग्रहणुओं से हुई थी। मतलब ग्रहणुओं का मतलब होता है कि छोटे छोटे सूक्ष्म पदार्थ के रूप में गैस की अवस्था में थी, वो धीरे धीरे घनी भवन होते गए, और घनी भवन होने के बाद ये पृथ्वी जो है आकार देती गई और बड़ी होती गई, इसका आकार ठोस होता गया, है ना। तो डीगैसिंग की प्रक्रिया देखिए क्या होती है, तो इसने पहले तो कुछ वातावरण से जो है गैसों को आकर्षित किया, इसके अलावा जब इसका आकार बढ़ता गया तो उसके केंद्र से भी कुछ जो है गैसों का विमुक्तिकरण हुआ, है ना। तो इस गैसों के विमुक्तिकरण से ये आंतरिक भाग से भी गैसों का निष्कर्षण हुआ जो वातावरण में फैल गई, और इस प्रकार से एक मिश्रित वातावरण का यहां पर निर्माण हुआ, है ना। तो इसमें देखिए पृथ्वी के वायुमंडल के निर्माण में दो स्रोत थे, एक तो थे आंतरिक स्रोत और दूसरे थे बाह्य स्रोत, है ना। तो आंतरिक स्रोत जो थे पृथ्वी के आंतरिक भाग से जिन गैसों का निष्कर्षण हुआ उनको डीगैसिंग की प्रक्रिया कहते हैं, जिसके फलस्वरूप भी वो वातावरण में मुक्त होकर बाहर आए, है ना। और बाहर से भी इसने जितनी गैसों को आकर्षित किया वो अपने वायुमंडल में समाहित कर लिया अपने गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से। तो इस वजह से इस पर क्या हुआ, इस पर पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ। अब देखिए इसकी बात क्या है, है ना, क्योंकि ग्रहणुओं का समूहन हो रहा था, है ना, तो पृथ्वी का आकार धीरे धीरे काफी बड़ा हो गया, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। तो इसके पास एक निश्चित समय में क्या हुआ, एक वायुमंडल का निर्माण हो गया, है ना। एक तो परिकल्पना ये है जो चैम्बरलेन और मोल्टन की है, ग्रहणु परिकल्पना कहते हैं, इसके अनुसार पृथ्वी जो पहले निर्मित हुई उसके बाद इस पर धीरे धीरे वातावरण का निर्माण हुआ। अब देखिए दूसरी क्या है, दूसरा क्या है, वो है उष्ण उत्पत्ति सिद्धांत। देखिए उष्ण उत्पत्ति सिद्धांत ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि शुरुआत में पृथ्वी बहुत तप्त थी, एकदम गर्म तप्त थी, है ना, इतनी ज्यादा तप्त थी कि गैसीय पिंड के रूप में विद्यमान थी, इतना ज्यादा गर्म थी ये पृथ्वी, है ना, रक्त तप थी, है ना, एकदम भयंकर मैग्मा की तरह गर्म थी ये, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, विकिरण द्वारा इसकी ऊष्मा का ह्रास हुआ, है ना, और इसकी बाहरी जो क्रस्ट थी, है ना, जो बाहरी परत थी वो ठंडी होती गई धीरे धीरे, है ना। और इस तरह से क्या हुआ, बाहरी परत ठंडी हो गई, है ना। ठंडी होने के बाद क्या हुआ, इसमें से कई सारी गैसें अवमुक्त हुई, है ना, जैसे जलवाष्प है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, है ना। तो कई सारी गैसें इसमें से अवमुक्त हुई जो बाद में इसी के वायुमंडल में समाहित होती गई, क्योंकि देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा था, पृथ्वी ठंडी हो रही थी, ठंडी होने की वजह से क्या हो रहा था, इसके चारों ओर वातावरण का निर्माण होता जा रहा था, है ना। तो देखिए एक तो ये कारण बताया गया था, उष्ण उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं इसको, है ना, इससे क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था वायुमंडल का, है ना। तो देखिए इससे कई सारी चीजें बनी, जलवाष्प निकली, CO2 निकली, है ना, जलवाष्प ने यहां पर कई सारे काम किए, जलवाष्प ने जब ये जलवाष्प शुरुआत में जब बनी तो इससे बादलों का निर्माण हुआ, है ना, बादल क्या हुए फिर वो बरसे, है ना। परंतु उस समय पृथ्वी का ताप इतना अधिक था कि जब ये बरस रहे थे तो पृथ्वी तक आते आते अधिक ताप के कारण वो जल जो वाष्पित हो जाती थी, परंतु लाखों वर्षों के पश्चात इस पर क्या है, जल स्रोतों का निर्माण हुआ और समुद्र और तालाब और नदियां बने इस पर, है ना। तो इसी जल वाष्प ने यहाँ पर क्या है धीरे धीरे इसको ठंडा किया और इस पर जो है एक जो है वातावरण का निर्माण किया, है ना। तो ये है इसके सिद्धांत, है ना। तो इसके अलावा हम देखते हैं वायुमंडल का संगठन, ये क्या होता है, देखिए वायुमंडल का संगठन, संगठन इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो देखिए संगठन में इसमें कई सारी चीजें पाई जाती, सबसे पहली चीज होती है इसमें गैसेस, जो गैसें हैं इसमें, है ना। देखिए गैसें कैसी होती हैं,
क्योंकि इसमें देखिए वायुमंडल में क्या है, मुख्यतः गैसों का ही वायुमंडल पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा और भी अन्य गैसें हैं ना। देखिए मुख्यतः जो वायुमंडल के संगठन में गैसों की खोज हुई थी वो 18वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। जब आपको पता होगा सबसे पहले एक गैस की खोज हुई थी है ना 1772 में रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, नाइट्रोजन गैस की खोज की थी रदरफोर्ड ने, आणविक नाइट्रोजन की खोज की थी। इसके बाद जोसेफ प्रीस्टले ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी है ना। तो ये तब से इसके बारे में वायुमंडल के अध्ययन के बारे में बातें चली है ना। इसके अलावा भी और कई गैसों की खोज हुई थी। 1752 में देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज की गई थी ना। तो इन प्रमुख गैसों की खोज की गई थी वातावरण में, तो हम इन्हीं गैसों के बारे में अब अध्ययन करेंगे। देखिए मुख्य रूप से वायुमंडल में दो तीन गैसें ही पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली है आपकी वो है नाइट्रोजन है ना, जिसको N2 कहते हैं और इसका प्रतिशत पाया जाता है 78.1% है ना। इसके बाद दूसरी जो गैस है उसको कहते हैं ऑक्सीजन और इसका परसेंट पाया जाता है हमारा 20.90%। इसके बाद तीसरी जो गैस है हमारी वो है ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन ही होगी, जिसका परसेंटेज पाया जाता है 0.9% है ना। तो ये तीन गैसें ही मिलकर वायुमंडल की पूरी 99% गैसें बनाती हैं। इसके अलावा वायुमंडल में 1% गैसें अन्य है जिनमें अक्रिय गैसों को रखा जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को रखा जाता है ना। तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। देखिए देखिए गैसों को हमने समझा यहाँ पर कि मुख्यतः वायुमंडल में दो तीन गैसें हैं, जिसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक है 78.10% है, ऑक्सीजन 20.90% है और जो तीनों गैसें मिलकर 99% है और बाकी 1% में अन्य गैसें हैं ना। तो अब हम देखेंगे इन गैसों के बारे में और कुछ अंदर से देखेंगे। देखिए चलिए देखिए गैसें दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं स्थिर गैसें और दूसरी होती हैं अस्थिर गैसें है? अस्थिर गैसें इनको हम परिवर्तनीय गैसें भी कहते हैं ना, इनको हम परिवर्तनीय गैसें भी कहते हैं। देखिए स्थिर गैसों में क्या है, तीन गैसें आती हैं, ऑक्सीजन आती है, नाइट्रोजन आती है और आपकी एक और आती है इसमें रेडॉन गैस आती है। और सॉरी ऑर्गन गैस आती है, ऑर्गन को क्या कहते हैं, AR कहते हैं, ऑर्गन गैस आती है ना जो 99% बनाती है वायुमंडल का है ना। इन्हें स्थिर गैसें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो परसेंटेज है वायुमंडल में स्थिर रहता है ना। मैंने बताया जैसे आपको पिछली बार भी थोड़ी देर पहले कि ये जो 92% ये N2 है ये 78.10% पाई जाती है ना। आपको मालूम है इस गैस का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये जो गैस है नाइट्रोजन ये वायुमंडल में 7 रूपों में पाई जाती है ना। जैसे अमोनिया हो गया, इसके अलावा नाइट्रोजन हो गया है ना, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड हो गया, ऐसे करके कुल 7 रूपों में ये नाइट्रोजन गैस जो है पाई जाती है। इसका काफी महत्व है, क्योंकि इसका जो है जंतुओं के लिए भी महत्व है काफी और पेड़ पौधों के लिए भी काफी महत्व है। पेड़ पौधों के लिए क्यों महत्व, जंतुओं के लिए क्यों महत्व है, क्योंकि इसी शरीर में जो है एमिनो एसिड्स का निर्माण होता है इसी शरीर में और जो बाद में प्रोटीन में परिवर्तित होते हैं है ना। और आपको मालूम प्रोटीन जो शरीर के ऊतकों की मरम्मत के लिए बहुत ही आवश्यक है ना। अगर हमें एमिनो एसिड्स नहीं मिलेंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं बनेगी, जिससे हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी और हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाओं की वृद्धि के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, शरीर की वृद्धि के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। यहाँ तक कि शरीर में जितनी भी टूट फूट होती है या ऊतकों का नुकसान होता है तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये प्रोटीन हमें कैसे मिलेगी, हम डायरेक्ट तो नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते है ना। तो नाइट्रोजन को हम इंसान जंतु किससे प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त करते हैं हम पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे क्या करते हैं है ना, वो नाइट्रोजन को अपने में स्थिरीकरण कर लेते हैं है ना।
नाइट्राइट के रूप में स्थिरण कर लेते हैं, जिससे हम इनका भक्षण करके या पेड़ पौधों से या हम साग भाजी से इसका प्रयोग करते हैं, जिससे नाइट्रोजन हमारे शरीर में पहुंचती रहती है ना, और बाद में हमारे शरीर से फिर इसका निष्कर्षण हो जाता है और ये वायुमंडल में स्वतः ही जो है चलिए इस तरह से चक्रण चलता रहता है ना। जीवधारी वो करते हैं, फिर उसके बाद वो मुक्त करते हैं, मुक्त करके वायुमंडल में फिर द्वारा से वो पहुंच जाती है। तो ये चक्रण चलता रहता है प्रकृति में, इसको कहते हैं नाइट्रोजन चक्र भी कहते हैं इसको, है ना। इसको हम नाइट्रोजन चक्र में बाद में देखेंगे। इसके बाद देखिए दूसरी जो गैस है स्त्री गैसों में, वो है ऑक्सीजन गैस है, है ना। ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एमिनो एसिड्स के निर्माण में ऑक्सीजन गैस का यूज होता है, प्रयोग होती है और उसकी अहम भूमिका होती है ना। आणविक ऑक्सीजन होती है ये सामान्यतः निचले वायु जो, इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं पहले, ऑक्सीजन के बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो गैस है ये सामान्यतः 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है ना, परंतु आणविक ऑक्सीजन जो है इससे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, लगभग इससे भी ज्यादा ऊंचाई तक पाई जाती है। आणविक ऑक्सीजन की प्रति जो है वो 60 किलोमीटर से अधिक। आणविक ऑक्सीजन कहते हैं केवल एक अणु होता है इसमें, ऑक्सीजन का दो अणु नहीं होते है ना, ऑक्सीजन को दो अणु होते हैं। अगर इसका एक अणु है हमारे पास, ये ओ का एक अणु है, तो इसको हम आणविक ऑक्सीजन कहते हैं ना। ये अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है क्योंकि ये कैसी गैस है, ऑक्सीजन एक भारी गैस है ना, आणविक अणु कहते हैं इसको ना। तो ये धातु के समीप पाई जाती है ना, 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है ना। आपने देखा होगा पहाड़ों पर जब जो है जो 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 पर्वतारोही होते हुए चढ़ते हैं, तब क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से अपने साथ वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके, है ना। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ऊंचाई पर जाने पर, और ऊपर जाने पर केवल आणविक ऑक्सीजन ले जाती है। परंतु देखिए इस ऑक्सीजन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये जो है हमारे लिए और भी कई काम करती है। जैसे क्या है, इसका इंपॉर्टेंस जो है केवल इसी में नहीं है ऑक्सीजन में, एक तो हम इसे जीवधारी समस्त ग्रहण करते हैं, है ना। इसके अलावा क्या है, श्वसन तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट है, पेड़ सॉरी जंतुओं के जितने भी जंतु हैं वो इसी गैस पर निर्भर है, इन्हीं से इनका जीवन चल रहा है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधनों को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, आग लगेगी ही नहीं अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी। ऑक्सीजन गैस की पर्याप्तता पर ही ईंधनों में आग लगेगी। ऑक्सीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है ना, जीवन का आधार है। इसके बाद देखिए अस्थिर गैसें हैं या परिवर्तनशील गैसें हैं, ये क्या होती है देखिए। परिवर्तनशील गैसों में तीन चीजें आती हैं, पहली है आपकी वो है ओजोन, जिसे हम ओजली कहते हैं, दूसरी है आपकी एरोसोल, और तीसरी है आपकी जलवाष्प। तो देखिए ये बहुत ही तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोसोल्स जलवाष्प है ना। देखिए जो ओजोन है आपको बता दूं ये समताप मंडल में पाई जाती है, इसको हम कल की वीडियो में समताप मंडल वाले लेयर में पढ़ेंगे, है ना। तो ओजोन को ओथरी कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन के देखिए तीन अणु होते हैं ना। देखिए ये एक नीले रंग की गैस है ना, हल्के नीले रंग की गैस होती है, और ये बहुत ही कैसी होती है, उत्तेजक गैस होती है, हल्के नीले रंग की गैस होती है, बहुत ही उत्तेजक गैस होती है, और इसका कभी इसका जो भंडारण होता है वो विस्फोट का कारण भी बन सकता है ना। किसी जगह पर इसको भंडारित कर दिया है तो विस्फोट के साथ ये बाहर निकलती है, विस्फोट भी हो सकता है इससे ना। तो इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण जो प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है, कैसे होता है, जब ऊपरी वायुमंडल में O2 इसका निर्माण एक प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है, और कभी कभी थंडर स्टॉर्म के समय भी होता है ना। थंडर स्टॉर्म क्या होता है, आपके तड़ित झंझा से जो विद्युत विसर्जन होता है, तब ओजोन का निर्माण होता है। कैसे होता है, ऑक्सीजन का एक अणु होता है ना, प्लस वो एक आणविक ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, इस प्रकार से ओजोन का निर्माण होता है। देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पर दो, एक ऑक्सीजन का अणु है और एक आणविक ऑक्सीजन का अणु है, इस प्रकार ओजोन का निर्माण होता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है ना। परंतु कभी कभी क्या होता है, इसका विघटन भी होता है, जब ऑक्सीजन के ओजोन के साथ क्या है, एक ऑक्सीजन का आणविक अणु जुड़ जाता है, तब क्या होता है O2 प्लस O2 दो ऑक्सीजन के अणु बन जाते हैं यहाँ पे, देखिए तो इसको कहते हैं ओजोन का विघटनीकरण। देखिए यहां पे ऑक्सीजन बन गई है ना,
ये भी ऑक्सीजन का एक अणु बन गया है ना, तो इसे कहते हैं ओजोन का विघटनीकरण है ना, या ओजोन का विघटन, या इंग्लिश में कहते हैं ओजोन डिप्लेशन है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, क्योंकि आपको मालूम है ओजोन गैस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व है वायुमंडल के लिए। इसको हम कल समताप मंडल वाले में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं एरोसोल्स। एरोसोल क्या होती है? देखिए एरोसोल बहुत ही महीन पदार्थ होते हैं, बहुत ही महीन कण होते हैं जो वायुमंडल में फैले रहते हैं ना। एरोसोल जैसे क्या है, धूल के कण हुए आपके, किसी खेत से उड़ी हुई धूल के कण है, किसी रेत के उड़े हुए कण है जो वायुमंडल में लटकी अवस्था में रहते हैं ना। रेगिस्तान से उड़ाई गई रेत है, चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय से प्राप्त धूल के कण है ना। और इसके अलावा क्या है, नमक के कण है, उल्का कण है, जैविक पदार्थ जैसे बैक्टीरिया पराग और बीज भी, ये भी क्या कहलाते हैं, ये भी एरोसोल्स कहलाते हैं ना। जैविक पदार्थों में क्या है, बैक्टीरिया है जैसे, है ना, पराग कण है ना, पराग कण फूलों से निकलते हैं ना। और क्या है आपके, बीज भी छोटे छोटे बहुत महीन बीज होते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं, वो भी एरोसोल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल में लटकी अवस्था में रहते हैं। और देखिए प्रति घन सेंटीमीटर में, यानी एक घन सेंटीमीटर क्यूब में इनकी जो संख्या पाई जाती है वो 100 से लेकर के कई मिलियन तक हो सकती है ना, कई मिलियन तक इनकी संख्या हो सकती है। जैसे कोई खदान है, उस खदान के पास अगर खदान में खुदाई चल रही है तो वहां धूल मिट्टी कण अधिक मिलेंगे, तो वहां पर इनकी संख्या बढ़ जाएगी, है ना। तो ये एरोसोल्स होते हैं। देखिए इनका भी जो है काफी महत्व होता है, क्योंकि वायुमंडल में ये अधिक ऊंचाई तक नहीं पाए जाते हैं, ज्यादातर धरातल के निकट ही पाए जाते हैं, है ना। और अधिक ऊंचाई पर जाने पर ये क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं, है ना। तो देखिए ये कई प्रकार से इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा सुबह के टाइम या शाम के टाइम सूरज का रंग जो लाल दिखाई देता है वो इन्हीं एरोसोल्स की या धूल के कणों पर जब प्रकाश पड़ता है तो उससे परावर्तित होता है, जिसकी वजह से लालिमा लिए हुए आकाश दिखाई देता है ना। तो उसे सुबह का जो दृश्य होता है वो काफी दिखाई देता है ना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें नमक के कण भी आते हैं, है ना, और धूल के कण भी आते हैं। तो ये क्या करते हैं, आर्द्रता ग्राही नाभिक का काम करते हैं, नाभिक का काम करते हैं। ये सूक्ष्म कण होते हैं जो वातावरण में जो जलवाष्प पाई जाती है ना, जलवाष्प पाई जाती है वो इन्हीं आर्द्रता ग्राही नाभिकों के ऊपर सबसे पहले बैठते, नहीं तो वर्षा की बूंदे ही नहीं होंगी, है ना। वर्षा की बूंदे बनने के लिए एरोसोल्स की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा आपकी वर्षा ही नहीं होगी, क्योंकि वर्षा की होने से पहले वर्षा के लिए महीन बहुत ही सूक्ष्म बूंदों का बनना आवश्यक है, जो इसी के लिए जो एरोसोल्स हैं इस जलवाष्प के लिए आधार का काम करते हैं। और जलवाष्प इन्हीं आर्द्रता ग्राही नाभिक के चारों तरफ पहले चिपकती है, फिर वो बूंद जो है बड़ी होती जाती है, इस प्रकार से वर्षा की बूंदों का निर्माण होता जाता है और वो बारिश के रूप में बरसती है ना। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एरोसोल्स का भी तंतु। अब क्या है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है तो उससे प्रदूषण भी फैल रहा है ना। इसके अलावा फिर तीसरी चीज क्या है, जलवाष्प। तो देखिए जलवाष्प क्या है, देखिए वातावरण में आपको बताया था जलवाष्प काफी इंपॉर्टेंट है ना। जो जलवाष्प का लगभग 90% भाग है ना, वो वायुमंडल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है ना। 90% जलवाष्प जो है कि वायुमंडल केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। और आपको बताऊं ये एक ग्रीन हाउस गैस है, है ना, ग्रीन हाउस गैस है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जीएचजी, है ना, यानी कि ग्रीन हाउस गैस। देखिए ये क्या करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको मालूम है भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक मात्रा में जो है पाई जाती है आर्द्रता, और ध्रुवों की तरफ जो है कम होती जाती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ कम हो जाती है ना। और हर समय वायु में 0.02 से लेकर के और 5% के बीच में आर्द्रता पाई जाती है। कितनी भी शुष्क वायु हो 0.02 से लेकर के 5% तक उसमें आर्द्रता की मात्रा पाई जा रही है ना। देखिए ये क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस क्यों है ये, क्योंकि ये आर्द्रता क्या करती है, जो जलवाष्प क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें हैं उनको तो आने देती है, परंतु उस प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेती है, उनको बाहर नहीं निकलने देती, इसलिए पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में ये योगदान देती है, इसलिए इसे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए इसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, है ना।
तो ये सारी चीजें आपको समझनी थी, मैंने जो समझाई आपको। कल हम विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है ना, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, इनके बारे में कल हम अध्ययन करेंगे। तो पार्ट 2 में आएगा उसका, ठीक है। धन्यवाद।